नमस्कार, मैं हूं मोनिका और आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। प्रियंका गांधी ने रायबरेली को परिवार की सीट बताया था। इस पर विरोध भी हुआ और चर्चा भी, लेकिन इस सीट इस बार कुछ कम चर्चा में है। जो हमेशा सुर्खियों में रहती थी वो सीट है इलाहाबाद। इलाहाबाद जो कांग्रेस के लिए कभी घर जैसा हुआ करता था, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाते, वही नेहरू जो प्रियंका की दादी के पिता थे, उन्हीं की विरासत के आधार पर प्रियंका रायबरेली को परिवार की सीट बता रही हैं। बहरहाल हाल ये है कि यहाँ कांग्रेस को अपनी पार्टी में एक अदद प्रत्याशी नहीं मिला। समाजवादी पार्टी के नेता कुंवर रेवती रमण सिंह के बेटे उज्जवल रमण सिंह, जो आयात किया गया था, उन्हें टिकट देकर कांग्रेस का प्रत्याशी बनाया गया। उनके सामने बीजेपी के दिग्गज नेता केशरी नाथ त्रिपाठी के बेटे नीरज त्रिपाठी हैं। विरासत की बात हो रही है तो फिलहाल अपने विरासत के भरोसे उज्जवल रमण सिंह नीरज त्रिपाठी को कड़ी चुनौती दे रहे हैं। इलाहाबाद के 18,07,886 मतदाताओं की जातिगत केमिस्ट्री के हिसाब से देखा जाए तो उज्जवल रमण का पलड़ा उन्हीं की ओर झुकता हुआ दिख रहा है। रेवती रमण सिंह खुद इस सीट से 2004 और 2009 में सांसद रह चुके हैं। उन्हें बीजेपी के शीर्ष तीन नेताओं में से एक मुरली मनोहर जोशी को हराने का सहरा भी उनके सिर पर है। केशरी नाथ त्रिपाठी भी इलाहाबाद में बड़ी साख रही है, लेकिन उनकी तमाम राजनीति शहर की एक विधानसभा तक महमूद रही। हालांकि ये भी सच है कि संगठन पर केशरी नाथ की संजीदगी से पकड़ थी, लेकिन वो चुनाव विधानसभा का चुनाव ही लड़ते थे। बाद के चुनावों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा और वो पश्चिम बंगाल के गवर्नर बना दिए गए। विरासत से आगे बढ़कर अगर इस लोकसभा सीट जातिगत गणित की बात करें तो वो भले ही कांग्रेस के हक में ना दिख रहा हो, लेकिन समाजवादी पार्टी का वोट बैंक इलाहाबाद में ठीक ठाक रहा है। अगर राजनीतिक पंडितों के आंकड़ों पर भरोसा किया जाए तो इस सीट पर 7.5 लाख से ज़्यादा मतदाता पिछड़े समाज के हैं। इनमें करीब 1,85,000 यादव जाति के हैं बताए जाते हैं। मुसलमानों की बात करें तो यहाँ 2,70,000 वोटर इस समाज के हैं। दलित वर्ग के 3 लाख के करीब मतदाता बताए जाते हैं। उज्जवल रमण जिस भूमिहार समुदाय से आते हैं उसकी संख्या बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन ये वर्ग प्रभावी भूमिका निभाता है। अगर सवर्ण कहीं जाने वाली जातियों की चर्चा की जाए तो उनकी संख्या करीब 7 लाख बताई जाती है। इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्या, कायस्थ और भूमिहार शामिल हैं। एक अनुमान के मुताबिक करीब 4.15 लाख ब्राह्मण, 1 लाख के आसपास राजपूत और कायस्थ मतदाता इस सीट पर बताए जाते हैं। इस हिसाब से कायस्थ मतदाताओं का भी इलाहाबाद में बहुत अधिक महत्व रहता है। इसे हासिल करने के लिए हर प्रत्याशी को जोर लगाना होता है। इलाहाबाद लोकसभा सीट में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं, जिसमें मेजा, करछना, बारा, कोराव के अलावा शहर की इलाहाबाद पश्चिमी, उत्तर, दक्षिण, शिक्षा का प्रमुख केंद्र होने के कारण शहर में छात्रों की संख्या भी बहुत अधिक होती है। इसका फायदा दोनों प्रत्याशी को मिलेगा क्योंकि दोनों प्रत्याशी युवा हैं। केशरीनाथ त्रिपाठी को वकीलों का ठीक ठाक समर्थन मिलता था क्योंकि वो हाईकोर्ट के बेहद सफल वकीलों में शुमार होते थे। उनके बेटे नीरज त्रिपाठी को भी इसका फायदा मिल सकता है, वो भी पेशे से वकील हैं। हाईकोर्ट होने के कारण इलाहाबाद वकीलों का भी गढ़ है, लेकिन वकीलों की दलगत प्रतिबद्धता भी कम नहीं होती। वैसे बीजेपी का उम्मीदवार होने के कारण दूसरी बहुत सी सीटों की ही तरह नीरज को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थकों का भी कम भरोसा नहीं है। आपातकाल के बाद 1977 के चुनाव को छोड़ दिया जाए तो ये सीट 1988 तक कांग्रेस के ही खाते में रही, लेकिन अब तक के सांसदों की बात की जाए तो पहले सांसद 1952 में श्री प्रकाश और पुरुषोत्तम दास टंडन, 1957 में, 62 में लाल बहादुर शास्त्री, 1967 में हरे कृष्ण शास्त्री, 1971 में हेमवती नंदन बहुगड़ा, 1977 में जुनेश्वर मिश्र और 1980 में विश्वनाथ प्रताप सिंह सांसद रहे। कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन जुनेश्वर को छोड़कर सभी कांग्रेस के ही थे। 1980 में ही बीपी सिंह उत्तर प्रदेश के सीएम बना दिए गए
और उपचुनाव में केपी तिवारी सांसद बने, जबकि 1984 में अमिताभ बच्चन इलाहाबाद से जीते। उनके इस्तीफे के बाद से यह सीट कांग्रेस के हाथ से चली गई। हालांकि फिर बीपी सिंह सांसद बने, लेकिन निर्दलीय। 1991 में सरोज दुबे, 1992 में, 2096 में मुरली मनोहर जोशी ने इस सीट का प्रतिनिधित्व किया। उसके बाद रेवती रमण सिंह 2004 और 2009 में यहां से सांसद चुने गए। 2014 में बीजेपी से उद्योगपति श्याम चरण गुप्ता और 2019 में हेमवती नंदन बहुगड़ा की प्रोफेसर बेटी डॉक्टर रीता जोशी सांसद चुनी गई। फिलहाल इस वक्त की खबरों में इतना ही। तमाम देश दुनिया की खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। नमस्कार।